Welcome to GEL, GATE ESE Lecture. We are in lecture number 89 of ETC. Now this is the sixth module, that is your FET. And here in this video lecture, we are going to discuss about one of the most important point of JFET, that is your pinch of voltage. Most of the students get confused with this pinch of voltage concept. Now, I'm strongly recommending you do not skip a single word from this video lecture. And do not skip a single video lecture after this. ओके अगर आप कोई भी एक वीडियो लेक्चर या फिर कोई भी एक सिंपल वर्ड यहाँ पे मिस करते हो या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर इसके बाद आप मिस करते हो यू एबल टू यू नेवर अंडरस्टैंड यू गेट इनटू अ वेरी ह्यूज कंफ्यूजन ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद पिंच ऑफ वोल्टेज लिसन टू दिस केयरफुली वी अंडरस्टूड द पिंच ऑफ वोल्टेज मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज मीन्स वी हैव एनालाइज दिस पिंच ऑफ वोल्टेज कॉन्सेप्ट इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करेंट वी गॉट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड फ्रॉम दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिस इज योर लीनियर दिस इज योर सब लीनियर दिस इज योर कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स एंड दिस इज योर ब्रेकडाउन एंड द एंड ऑफ सब लीनियरिटी एंड द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट करेंट वैल्यू द वोल्टेज एट विच द सब लीनियरिटी एंड्स एंड द कॉन्स्टेंट करेंट मैक्सिमम करेंट वैल्यू स्टार्ट्स दैट वोल्टेज इज नथिंग बट योर पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफर्ड बाय pinch of voltage offered by VDS. There is another pinch of voltage, kya sir? Ha, there is another pinch of voltage which will be offered by VGS. Wo hum next video lecture mein dheere dheere samjhenge. But now, abhi ke liye, aap ye samjho ki pinch of voltage, at which you get maximum drain current. So the voltage at which we get maximum drain current, that is your IDSS. Sir, ye do extra S kyun lagaye sir? One S represents when input side is short circuit. Input side is short circuit S. Aur dusra S represents this is saturation condition. So saturation condition kya hai? We'll going to get into analyzing all of this thing like saturation region, cutoff region, ohmic region in the next video lecture from the very beautiful graphical analysis. But here in this video lecture is only stick to the pinch of voltage concept. Okay. VGS value at 0 volt, we get this curve. Sir, VGS agar hum log change kare, -1, -2, -3, -4, to ye curve kaisa hoga? Aisa hoga. Oh, sir, ye solid curve kyun hai? Aapke isse smooth curve nahi hai. अरे मुझे थोड़ा ये ड्राइंग पैड में ड्रॉ करने के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना ये सब स्मूथ है ठीक है ये सब स्मूथ है एज्यूम कर लो ठीक है ये आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इसे सॉलिड बना दिया पर ये सब स्मूथ है ठीक है ये सब सब लिनियरिटी है देर इज ऑल्सो अ स्मॉल कर्वी नेचर ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ना अच्छे से देखना लुक VGS at zero volt. Your white graph is VGS at 0 volt. Now look here, your VP. I wrote the VP, VP2, VP3, VP4, VP1, VP2, VP3, VP4. VP1 is greater than VP2, VP3. So, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, okay? Now, VGS is 0 volt, then we decrease to VGS equal -1, which is -2, -3. ऐसे करके और भी जाएगा, -4, -5 के टाइम पे, जाके लास्ट पे जाके यहाँ पे लग जाएगा. ये हो जाएगा आपका cutoff region. ये है आपका सैचुरेशन रीजन और ये हो जाएगा आपका ओमिक रीजन क्योंकि ये जो आपका बिहेवियर है ना ये आपका बिहेवियर है ना ये ओमिक के तरह बिहेव करेगा क्योंकि आपके स्लोप ये जो है ये आपका वी प्रोपोर्शनल टू करंट आईडी ओके सो इसके बारे में हम लोग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वीपी पिंच ऑफ इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर एन चैनल जेफेट माय डियर फ्रेंड एन चैनल जेफेट के लिए
इस तरीके का डायग्राम होगा, इस तरीके का डायग्राम होगा, मतलब VGS विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव फॉर एन चैनल जेफेट. फॉर पी चैनल जेफेट ये सब रिप्लेस हो जाएगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, समझ गए हो, 3 वोल्ट, ये हो जाएगा किसके लिए, पी चैनल के लिए. पर एन चैनल के लिए आपका ये सब हो जाएगा नेगेटिव. गॉट दिस पॉइंट? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रहा हूं मैं. Look here, for N-channel JFET, VGS is negative. For P-channel JFET, VGS is positive. Let's move to fourth point. My dear friend, listen to this fourth one very carefully. JFET will work as constant current. JFET will work as constant current with constant current source. JFET will work as constant current source with increase in VDS. अगर आप VDS के value VP से increase करते हो ज़्यादा, आप अगर VDS का value VP से increase करते हो, then it will give you, the JFET will give you, will respond you as a constant current source. VP से ज़्यादा करते हो, so आप इसको constant current source के तरह use कर सकते हो. Okay, now let's get into fifth point, that is your pinch off voltage calculation. Listen to this carefully, my dear friend. This is your P plus region. This is your P plus region. ये है आपका depletion width, depletion width, depletion width, depletion, depletion region, depletion region, depletion region. ये N side है आपका और this area is your channel. ठीक है, अज्यूम कर पा रहे हो ये चीज़, बहुत सिंपल है. नाउ दिस इज योर डिप्लेशन विड्थ, ये डिप्लेशन रीजन है, ये आपका डिप्लेशन विड्थ है W. नाउ A इज फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चैनल टू द P साइड इज योर A, B इज फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ चैनल टू द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लेशन विड्थ, दिस इज योर B. नाउ VP विल बी कैलकुलेटेड एज EA square into ND by 2 if cyclone. सो VP इज डिपेंडेंट ऑन दिस A वैल्यू and it doesn't depend on this B value, only depends on A value and ND value. We'll get into that. Now let's understand the derivation. Look here carefully, P is heavily doped, we know, that is why NA is very much greater than ND, and we know the W value, depletion width value in our PN junction subject, 2 cyclone divided by E whole into 1 by NA plus 1 by ND whole into VB. VB is a barrier voltage whole to the power 1 by 2. Now as NA is very much greater than ND, so 1 by NA will be very much less than that of 1 by ND. So I can neglect this 1 by NA value. So we'll get 1 by ND into VB. Now here, instead of writing VB, I can write down V0 plus VGS, V0 plus VGS, V0 plus VGS. So I can write down, instead of writing a barrier voltage, I can write down V0 plus VGS. Now instead of writing VGS, I can replace this VGS value with VP. And I can replace this W value with A, VGS by VP, W with A. Now this equation became A square, E 1 by 2 ko is taraf le liya. A square equals 2 if cyclone E divided by V0 plus VP by ND. Now here, V0 is very much less than VP. Look here, V0 is very much less than VP, so I can neglect VP. V0 is very much less than VP. I can neglect V0. If you calculate this value, you'll get VP equals to E square ND by 2 if cyclone. So we got a pinch of voltage value E square ND by 2 if cyclone. Now important observations. Look here carefully. ये आपके gate के लिए बहुत important है, my dear friend. BP is dependent on ND, directly proportional to ND. मतलब ये अगर आपका N channel JFET हो गया, in this N channel JFET, the pinch of voltage depends on the concentration of donor concentration. Donor concentration के ऊपर ज़्यादा depend करता है. ठीक है, N के donor impurity के ऊपर ज़्यादा depend करता है. Now look here, ये आपका एक graph मिल रहा था. For example, ये आपका graph मिल रहा था, yellow color graph. यहाँ पे आपका VP मिल रहा था. ठीक है, यहाँ पे आपका VP मिल रहा था. अब VP, ये दूसरा ग्राफ है, ये सेकंड केस है जहाँ पे आपका VP थोड़ा लेट में मिला. ठीक है, VP1, VP2, करेक्ट. तो VP क्या हुआ, इंक्रीज तब होगा जब आप ND इंक्रीज करोगे या फिर A स्क्वायर में इंप्रूवमेंट डालाओगे, तब आपका VP इंक्रीज होगा.
चैनल विड्थ में या फिर चैनल लेंथ में कहीं पे भी अगर इंप्रूवमेंट लाओगे वीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए ऐसे आप समझ सकते हो, लिसन टू दिस केयरफुली, आपको अगर कांस्टेंट करंट सोर्स जल्दी पाना है, VDS के लेस वैल्यू में पाना है, तो VP को डिक्रीज करना होगा, VP में जल्दी पहुंचने के लिए ND को घटाना होगा, S² को घटाना होगा, L को घटाना होगा, तब आपका VP घट जाएगा, जिससे आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इन तीनों फैक्टर में से किसी एक के ऊपर अगर आप काम करोगे सो यू विल गेट दिस रिजल्ट वेरी क्विक। Now, last point is channel resistance, ये आपको हमेशा याद रखना है। गेट एग्जाम के लिए ये जो चार पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ चैनल, दैट मीन्स T1/T2 इक्वल्स टू R2/R1। ये आपके गेट के लिए और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चार पॉइंट, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट है ये JFET क्या। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ पॉइंट, लिसन टू दिस केयरफुली। This is the point on which JFET actually rely on. Look here, pinch off caused by VDS. VDS से जो pinch off मिलता है, output voltage से जो pinch off मिलता है, that will give you maximum current value, that is your saturation. Pinch off caused by VGS. VGS से जो input voltage से जो pinch off मिलता है, that will give you minimum current value, that is ID equals to 0, that is nothing but cutoff. Now, these two things can be understood by two graphs. So, these two things can be understood by two graphs. One is your output characteristics of JFET, another one is input characteristics of JFET. Output characteristics मतलब ID versus VDS है ना, output current, output voltage. Input characteristics of JFET, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET, ID वर्सेस VGS। सो यहाँ से आपको कट ऑफ और नॉन लिनियरिटी के बारे में जानने को मिलेगा, और यहाँ से आपको वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET के बारे में जानने को मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वन बाय वन वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। मस्ट वॉच फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, डू नॉट मिस अ सिंगल वीडियो लेक्चर। विद दिस वी आर डन विद पिंच ऑफ वोल्टेज। Thank you so much for watching this video lecture. See you in the next video lecture of output characteristics of JFET. Till then, bye.